अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकीज़ वर्ल्ड। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप अभी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपको एक बात ज़रूर मिलेगी और वो है चंद्रयान 3 नाम के प्रोजेक्ट की। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट क्या है, ये किस लिए स्टार्ट किया गया, इसका जो मेन एम है वो क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, इसमें टोटल कॉस्ट है वो कितनी आई है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो है हम वो बैक से स्टार्ट लेते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। सबसे पहले जो है वो सोवियत यूनियन ने एक मिशन स्टार्ट किया कि हमने चांद की सरफेस तक पहुंचना है। इस मकसद के हसूल के लिए सोवियत यूनियन ने एक मिशन का स्टार्ट किया, ल्यूना 1 एंड ल्यूना 2। ये मिशन शुरू किया गया 1959 में। मेन कहानी स्टार्ट होती है वो 25 मई 1961 को, जब जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नेशनल गोल रखा जिसका नाम था परफॉर्म अ क्रूड ल्यूनर लैंडिंग एंड रिटर्न टू अर्थ। इसका मकसद ये था कि इस बार जो है वो एयरक्राफ्ट जो है हमने चांद पे भेजना है और साथ में जो है वो इंसान भी जाएंगे और वहाँ पे लैंडिंग करेंगे और लैंडिंग करने के बाद वो वापस ज़मीन पर वापस आएंगे। इस मिशन का जो नाम था वो अपोलो 11 था। अपोलो 11 के जो कमांडर थे वो तो आप सब फैमिलियर ही होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे अमेरिका के, उनके साथ जो वो कमांड मॉड्यूल पायलट थे वो माइकल कॉलिंस थे और ल्यूनर मॉड्यूल पायलट जो थे वो एडविन बज एल्ड्रिन थे। अपोलो 11 को केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया, जो कि 19 जुलाई 1969 को चांद पे पहुंचा और नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पे जाके कदम रखा। चाइना ने 2013 में चंग आ के नाम से एक अपना जो है स्पेस एयरक्राफ्ट जो है चांद पे भेजा और उस स्पेस क्राफ्ट ने सक्सेसफुली चांद पे लैंडिंग की और चाइना वो फर्स्ट कंट्री बनी जिन्होंने एक रोबोट को चांद पे लैंड किया। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है चंद्रयान। तो चंद्रयान का जो मतलब है, चंद्रयान वर्ड का जो मीनिंग है वो है चांद की गाड़ी। ये मिशन शुरू किया गया 2008 में जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान के नाम से अपना एक स्पेस एयरक्राफ्ट जो है वो रवाना किया। इस मिशन का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि चांद की जो है वो सरफेस का एक पूरा मैप बनाना था, चांद पे जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनको डिस्कवर करना था और ये पता लगाना था कि क्या वाकई चांद पे जो है वो लाइफ पॉसिबल है या नहीं। और इस स्पेस एयरक्राफ्ट का जो मेन एम था वो ये था कि ऐसी जगह चांद पे तलाश करना जहां पे पानी मौजूद हो। ये मिशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक सुनहरा दिन था। इस मिशन की मुद्दत जो प्लान की गई थी वो 2 साल की गई थी, लेकिन चंद्रयान 1 का जो बेस से कांटेक्ट था वो 10 महीने 6 दिन बाद 28 अगस्त 2009 को खत्म हो गया। लेकिन इस मिशन के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की 5वीं स्पेस एजेंसी बन गई जिसने चांद की सतह को तय किया। इस प्रोजेक्ट पे इंडिया ने 386 करोड़ इंडियन रुपीज का खर्चा किया। इसके बाद चंद्रयान 2 शुरू किया गया और 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। इस मिशन का मकसद भी वही था, चांद का पूरा एक नक्शा बनाना, चांद पे जो है कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं और वो जगह तलाश करना जहां पे कसीर तादाद में पानी पाया जाता है। इस रॉकेट ने 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और ये लैंड करते वक्त ही क्रैश हो गया। अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक की तरफ, जो कि अभी जैसा आप सब सुन रहे हैं न्यूज में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब एक बार फिर से इंडिया ने चंद्रयान 3 के नाम से इस मिशन को स्टार्ट कर दिया है और 19 जुलाई 2023 को एक बार फिर इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी जो लॉन्च की तकरीब थी वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 1.5 मिलियन लोगों ने लाइव देखी। चंद्रयान 3 स्पेस का जो एयरक्राफ्ट है, टोटल जो दिन इसने फासला तय करना है वो 42 दिन है और इन 42 दिनों में ये 3.84 लाख किलोमीटर का फासला तय करेगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लैंडिंग है वो 23 और 24 अगस्त है और इसमें जो मेन खास बात है वो ये है कि इसने चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड करना है। अब साउथ पोल को ही क्यों चूज किया गया है? साउथ पोल को इसलिए चूज किया गया है कि साइंटिस्ट की तरफ से बताया जाता है कि साउथ पोल ही वो जगह है जहां पे चांद पे पानी मौजूद है,
यानी कि चांद की जनूबी सतह ही वो जगह है जहां पे पानी मौजूद है, और चंद्रयान 3 का मेन एम यही है कि उसने चांद पे जाके पानी ही ढूंढना है। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि जुलाई का महीना ही क्यों चूज किया गया। जैसा कि आपको मैंने बताया, जुलाई के महीने में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, जुलाई के महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जुलाई का महीना पूरे साल में एक वाहिद महीना है जिसमें चांद और जमीन के दरमियान सबसे कम फासला होता है। अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। टोटल जो चंद्रयान 3 पे रकम खर्च की गई है वो 615 करोड़ इंडियन रुपीज है। अच्छा, जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसके 16 मिनट्स बाद ही उस रॉकेट ने स्पेस एयरक्राफ्ट को वहां से लॉन्च कर दिया, यानी कि 16 मिनट का फासला तय करने के बाद 179 किलोमीटर के फासले पे चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। अब ये तो 23 या 24 अगस्त को ही पता चलता है कि चंद्रयान 3 किस हद तक सक्सेसफुल होता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे काबिल-ए-गौर है कि इंडिया ने लास्ट 10 to 15 years में हर शोबे में, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो या इकोनॉमी का, इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किया है। ये मिशन कामयाब होगा या नहीं, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि इंडिया जो है वो अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ रवाना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।